ओशो इज एडिक्टिव, ओशो की लत लग सकती है। यस, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या आप खाली बैठे हैं और आपने अगर ओशो के प्रवचन लगा दिए, तो फिर अंदर से क्यूरियोसिटी जगती जाएगी, जगती जाएगी, और आप उनके प्रवचन, उनकी जो स्पीच है वो सुनते चले जाएंगे। मीठी मीठी सी बात, वो एक जादुई आवाज, ऐसी आवाज, ऐसा लगता है कि जो जो वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, प्रकृति, पूरा विराट, पूरा यूनिवर्स अपनी इंटेलिजेंस यूज करके बोल रहा है, एक व्यक्ति विशेष का ये लगता ही नहीं है। अगर हम बात करें ओशो की, तो ओशो ने सारी चीजों पर बात की है। अष्टावक्र गीता हो गई, ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र, भगवत गीता, ओशो ने लाओसे के बारे में बात की, श्री अरविंदो के बारे में, रमण महर्षि के बारे में, जय कृष्ण मूर्ति के बारे में, नानक, कबीर, मीरा, बुद्ध, ऐसी कोई चीज नहीं जो ओशो ने छोड़ी हो। इसीलिए शायद, क्योंकि आपको किसी की भी फिलॉसफी अगर जाननी होती है, आप ओशो के मुंह से सुनने स्टार्ट करने लगते हो, आप ओशो के प्रवचन सुनना स्टार्ट कर देते हो। ध्यान, समाधि, चेतन, अवचेतन, कहानियां, बीच बीच में कहानियां जो आ जाती हैं, मजाक आ जाता है बीच बीच में, जो मुल्ला नसरुद्दीन का, ये सारी चीजें हमें ओशो को लेकर एक एडिक्टिव पर्सन बना देती है, एक लत लगा देती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ओशो का साहस, ओशो की बेझिझक, बेबाक बोलने का एक तरीका, बिना डरे चीजों को, बिना बाउंडेड हुए। शायद ये चीज ओशो को हम सभी लोगों में एक स्थान, एक एक जगह जो हमारी खाली रहती है, वो ओशो से भर जाती है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये अभी भी ये लत लगनी जरूरी है, कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। लेकिन इस शब्दों के फेर बदल में, शब्दों के जाल में, इस वर्ड्स के मैट्रिक से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने तुमने अपनी आदत छुटाने के लिए, तुमने अपनी सिगरेट की आदत छुटाने के लिए, तुमने अपनी शराब की आदत छुटाने के लिए एक नई आदत डाल रही हो, ओशो की है वो भी आदत। यस, वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन बंधन उसमें भी है। ऐसा ना हो जाए कि तुम जिस दिन ओशो की स्पीच ना सुनो, तुम्हारा दिन ही ना कटे, तुम बेचैन रहो एकदम, तुम परेशान रहो। ओशो की लत में कोई बुराई नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि फायदा ही करेगी। लेकिन आपको इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे जाना है, आपको ये लेवल भी पार करना है, आपको सच में कॉन्शियसनेस के एक अलग लेवल पर पहुंचना है। आपकी यात्रा जहां तक थी वो खत्म हो चुकी है। ओशो पर पीएचडी मत करना, ओशो की बात को कंठस्थ मत कर लेना, और हूबहू ओशो की तरह ना बोलने लग जाना। कई लोग हैं जो बिल्कुल ओशो बन चुके हैं, बिल्कुल उसी की तरह, ओशो की तरह उनकी तरह बोलते हैं, बात करते हैं, सारी चीजें ओशो की कंठस्थ कर ली। एक लेवल तक ठीक है, ये आपको ज्ञान लेना था, लेकिन
आपको अपने आप को तराशना है, अपने आप को देखना है, आपको किसी की कॉपी नहीं बनना है, आपको किसी को इमिटेट नहीं करना है, आपको आप बनना है, आप जो एक्चुअल हो। लास्ट में अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मेरी मदद लेना चाहते हैं, मैंने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है क्योंकि इसमें आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है। पहले आपको 12 वीडियोस मैं दूंगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, रिलेशनशिप प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर, मेडिटेशन एक्चुअल क्या है, थॉट्स फियर और सफरिंग से कैसे हम मुक्त हों, थॉट्स के बियॉन्ड कैसे जाएं, इन सारी चीज़ों को लेकर। फिर उसके बाद डेली एक आपको वीडियो मिलेगी मेरे मेडिटेशन रूटीन की, जिसमें मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन सिखाऊंगा कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या होती है, और ये गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो आपको डेली हमेशा मिलती रहेगी जिंदगी भर के लिए। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।